जी आंटी, क्या हुआ था आपके अपना? पता नहीं किस बात के लिए लोग दोनों लड़ रहा था उधर, तो किसी बच्चे आके बताया कि दादी दादी उधर लड़ाई हो गया है, चाचू के मार रहा है लोग। हम गया कि बच्चे क्या किस बात के लिए लड़ाई होते हैं, क्या बात है बताओ तो। वो बताना क्या है कि फटाफट मेरे को उधर छूट दिया है, इन लोग के मारने लग गया। कौन लोग थे वो? इधर ही पंजाबी है, किराए पर रहते हैं। उनसे तो हम बातें नहीं कभी करते हैं कि क्या कहाँ के है कहाँ के नहीं है। उन लोग से कोई रिश्ता नहीं है, न लगा इससे कुछ। कितने बंदे थे वो? कम से कम 8-10 बंदे था वो। हमारे घर में कोई नहीं था, हमारे घर में खाली जनानी थी। तो हम लोग गए छड़ाने के लिए, तो खुद जनानी को भी मार दिया, तो एक दो लड़का था लो उसको भी मार दिया। लड़का का तो मार दिया कि वो सीरियस है, हॉस्पिटल में है। गोली मारे बीवी, आवाज भी नहीं। कोई वजह होगी क्या, किस बात पे उन्होंने लड़ाई की, किस बात? अब उसको बीवी आएगी तो वही बताएगी। हम लोग बाद में गए ना, मेरे को पता नहीं था ना, तो ये किस बात के लिए लड़ाई हुआ। खुद हमारे के फेंक दिया उठा के, इतने हम जानते हैं। उसके बाद हमारे लड़का गाड़ी में धसा के मार रहा था। कितने लोगों को मारा? लेडीज के लेके आई बच्चे, उनको उनको सबको जो जो मिला उसको मारते गए। वो मार के देखा कि अपने जाने भर में वो जिंदा नहीं छोड़ा, जो मार के नट गया वो बंदा, मार के फरार हो गया। बच्चे बुच्ची सारे। तो अभी जो उसका रूम आ रहा था वो क्या लॉक है के खुला है? लॉक है, पंखा पूरा रात चल रहा है, लॉक करके उसी वक्त निकल गया। यही जानती है किस बात के लिए लड़ाई हुआ था। एक आप अंदर आप थे? इनकी से लड़ाई हुआ। हम गए थे बाथरूम, तो चड्डी पर था वो खाली, मतलब ऐसे ही खाली कच्ची पर था वो। तब बोला गेट खोल, बाथरूम बैठे थे, हम नहीं खोले, तब फिट रहा था गेट ना, तो खोलना तो ठीक कर दूंगी, गेट तोड़ दूंगी हम, क्यों तो गेट तोड़ेगा। हम निकलते हैं ना बाहर, हम बोल के निकलिए बाहर। मेरे आया था घर वाले का भाई आया था देवर, तो उनसे हम बताएं कि मतलब देखिए ना, मेरे को छेड़छाड़ी कर रहा है, बोला गेट खोलना तो तोड़ कर रख दूंगी गेट को। तो वही मेरा गद्देवर आया था पूछने के लिए कि वैसे करे मेरे भाभी के साथ क्या हुआ, तो इसीलिए कुछ बात भी नहीं बताया, ऐसे मारने लगा। मेरे देवर के भी मारे, मेरे घर वाले के भी मारे, मैंने मेरे घर वालों को मार के आँख पे लाल कर दिया, उसके आँख को देखी हो गया। तो अभी आपके घर वाले कहाँ पे हैं? एक घर ही में है, अभी गए दवाई लेकर। जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं वो कौन है? वो हॉस्पिटल में। वो कौन है? वो मेरे जेठ है, मैं मेरे बुआ सास है ना, उनकी बड़े लड़के। कितने आदमी थे वो जिन्होंने? 10-15 थे आदमी सब मिलाकर। 10-12 जो थे वो सब मिलकर के एक बंदे को पीट रहे थे। क्या आपके किराएदार थे? वही पाया उसी से मार दिया, किसी को नहीं बोलने कर रही है। औरत कोई मार रहा था, जिसे वही पाते हाथ में उसी को मार के ऐसे कर दिए थे। उसको नाले फंसा कर पैर लात लात खूब मारे, ईट से मारे, उसको सिर फट गया, तो क्या उन्होंने कुछ शराब वगैरह पी थी, ड्रिंक की हुई थी या? उसने पिए तो भी पिए थे, लीडिंग पिए थे। ऐसे ऐसे साबुन लगाया था शरीर में, साबुन लगा कर तब मेरे देवर के पास गया था लड़ने के लिए, मेरा देवर पूछ रहा था तो उसी लिए। क्या आपने कंप्लेन कराई है तो पुलिस थाने में जाके? पुलिस आए थे, वो भी घूम कर चले गए, कुछ नहीं बोला। फिर सुबह भी हम गए थे पुलिस के पास, तो बोल रहे कि ठीक है, उधर पुलिस जा रहे हैं। कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो वो जो जिन आदमियों ने मारा, क्या वो अभी फरार हो गए? कितने लोग रहते थे रूम में? उस रूम में 6 परिवार थे, 6 रहते थे, मतलब 6 मतलब बच्चे से मिलाकर 6 थे। अच्छा, वो शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा थे, छोटे छोटे बच्चे भी उनका। पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने कुछ एक्शन लिया? हाँ, बोल रहे कि ठीक है, हम उनके कार्रवाई करते हूँ। ठीक है।